अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सारे पीएमएसएस के कैंडिडेट्स के लिए जिनको नो अलाटमेंट हुई थी। तो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है सारे कैंडिडेट्स के लिए, गुड न्यूज़ है काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। कॉलेजेस अलाट हो गए हैं आज कुछ कैंडिडेट्स को, जो मैं आपको बताऊँगा किन किन कैंडिडेट्स को हो गए हैं और किस कैंडिडेट को अभी आगे चल के और कॉलेजेस अलाट हो जाएंगे, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड में जब अलॉटमेंट लिस्ट आई थी तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच उन कैंडिडेट्स को फिर जो है वो सीट AICTE ने ऑटोमेटिकली कैंसिल की थी, और उसके साथ साथ उनको फिर सेकंड राउंड में भी कोई अलॉटमेंट नहीं मिली क्योंकि उनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स का IP यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है, 5 ब्रांचेज हैं उसकी, तो उनमें आपको पता ही कि नीट मैंडेटरी रखा है, तो उसमें सारी ब्रांचेज में स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल कर दिए गए जिनके पॉइंट जो है वो काफ़ी कम थे, क्योंकि ऑब्वियसली 100, 110 या 120 के आसपास जो वो सारे कैंडिडेट्स के पॉइंटर्स हैं तो वो एलिजिबल नहीं थे उसके लिए। लेकिन उनको एडमिशन वहां पे मिल गया था, उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी मिल गई थी, लेकिन उनके एडमिशंस वहां पे कैंसिल हो गए थे। और उसके साथ साथ और भी कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स गए थे, मतलब अलॉटमेंट हो गई थी उनकी, जहां पे जो सब्जेक्ट उनको मिला था उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो यहाँ पे उन सारे कैंडिडेट्स को री अलॉट कॉलेज हो रहे हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई थी सीट, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिर AICTE ने बोला ये सीट्स अलॉट हुई थी, उसके बाद उन्होंने उनकी सीट जो वो कैंसिल कर दी। देन उसके बाद उनको बोला गया कि आप AICTE में जो वो मेल कर लो। तो जिन जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी बट टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिर AICTE ने वो बोला था आपको और आपकी सीट कैंसिल की थी, तो आपको सारे कैंडिडेट जो है वो AICTE में कॉन्टैक्ट कर लो क्योंकि अभी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है और थर्ड राउंड आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, वो कन्फर्म है। और जिन कैंडिडेट्स को IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की मिली है BSc नर्सिंग के लिए, उनको जो है वहाँ पर नीट मैंडेटरी है, तो वो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो AICTE में कॉन्टैक्ट कर लो, आपको जो है वो कॉलेजेस रीअलॉट कर दिए जाएंगे। और यहां पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये कैंडिडेट है, इसको यहां पे अभी कॉलेज है वो अलॉट हो चुका है दोबारा से, इसको फर्स्ट राउंड में भी जो है वो कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन देन उसके बाद कुछ वजहों के टेक्निकल ग्लिच, उन्होंने बोला कि टेक्निकल ग्लिच है उसकी वजह से जो है यहां पे एडमिशन आपका नहीं होगा, मतलब सीट आपकी कैंसिल हो गई थी, तो यहां पे उनको जो है वो कॉलेजेस आज रीअलॉट हो गए हैं। तो ऐसे जो जो कैंडिडेट्स हैं उन सारे कैंडिडेट्स को कल तक जो है वो कॉलेजेस रीअलॉट हो जाएंगे, कल परसों दो दिनों में अलॉट हो जाएंगे आपके कॉलेजेस। और ऐसा नहीं कि जिनको नो अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में भी है सेकंड राउंड में उनको नहीं मिलेगा कॉलेज, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, जिन कैंडिडेट्स को टेक्निकल ग्लिच AICTE ने बोला था कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपके अलॉटमेंट हुई थी, फिर AICTE ने उनके कॉलेजेस कैंसिल किए, और IP यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन है उन सारे कैंडिडेट्स को जो जो AICTE में कॉन्टैक्ट करेंगे उन सारे कैंडिडेट्स को यहां पर कॉलेज जो री अलॉट होने के चांसेस हैं। और आज जो है कुछ कैंडिडेट्स को हो गए, कल और कैंडिडेट्स को हो जाएंगे, और धीरे धीरे जिन जिन कैंडिडेट्स का जो मसला था वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप में से काफी कैंडिडेट्स ऐसा कहेंगे मुझे कॉलेज दूर मिला है, मुझे चेंज कर देंगे, आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जिन कैंडिडेट्स का इशू था, इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉलेज है वो रीअलॉट हो रहे हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था फिर AICTE ने सीट्स उनकी कैंसिल की थी, वो कैंडिडेट AICTE में कॉन्टैक्ट कर लो, कॉलेजेस रीअलॉट हो जाएंगे। IP यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन मिला है, नीट वहाँ पे मैंडेटरी है, आपके पॉइंटर्स काम है, आपकी सीट वहाँ पे कैंसिल हुई है, AICTE में आप कॉन्टैक्ट कर लो, आपकी सीट जो है वो दूसरे कॉलेज में आपको जो है वो शिफ्ट कर देंगे। और सब्जेक्ट का आपको इशू आ रहा है, जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको एडमिशन नहीं दे रहा, तो भी आप AICTE में बात कर लो, मे बी वो आपको भी जो है वो रीअलॉट कॉलेज करेंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट सेकंड राउंड में नो अलॉटमेंट है उनके लिए ये अपडेट नहीं है, और उसके साथ साथ जिनकी कम परसेंटेज वगैरह मतलब नो अलॉटमेंट वाले उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, कोई और अपडेट आ जाएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।